मेरी जो को होस्ट है वो थोड़ी सी परेशान भी है, तो खैर बाद में हम लोग हंसी खेड़ियाँ करते रहेंगे जब गुलेन ओखे सफदर साहब भी आएंगे हमारे साथ। तो इस वक्त मैं जो है हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, उनको मैं वेलकम करता हूँ। जनाब ताहर रशीद चौधरी साहब, ये हैं जी चेयरमैन बैतुल माल लाहौर सिटी के। अब बैतुल माल आपको पता है कि जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद है, ये जगह जो है एक स्पेसिफिक पर्पस से बिल्ड की गई है, और यहाँ पे जो चीज़ें जिनकी तरवीज करने के लिए या रिसर्च करने के लिए इस जगह को बनाया गया है, मेरे ख्याल में उसके अंदर भी बैतुल माल का बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा। तो मैं स्टेज जो है मैं ताहर रशीद चौधरी साहब के हवाले करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्याल के साथ के रहें। जनाब ताहर रशीद चौधरी साहब। मैं जब आ रहा था तो मेरे एक जेन में सवाल उठा, तो मैंने कहा कि मैं आप साहबान से ये बात करूंगा कि जब आप बहुत अच्छा लिखने वाले दानिशवर हैं, हमारे बहुत सारे हजरात जो तबलीग करते हैं, उलमा हजरात हैं, तसव्वुफ में बहुत लोग काम करने वाले हैं, तो फिर सियालकोट का वाकया कैसे हो गया? फिर फैसलाबाद वाले वाकया कैसे हो जाते हैं? फिर वो जैना वाले वाकयात कैसे हो जाते हैं? मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है, मतलब वो गलती मैं भी कर रहा हूँ, वो शायद गलती आप लोगों से भी हो रही है। आप अपना किरदार किस हद तक निभा रहे हैं, उलमा हजरात अपना किरदार किस हद तक निभा रहे हैं, ये बड़ा एक सोचने वाला सवाल था। मैंने कहा आपसे ये बात करूँगा। मेरे दिल में एक बात आती है कि जब तक माशरा पूरे पूरे तरीके से नहीं बदलेगा, जिसमें मैं भी बदलूं, एक मजदूर भी बदले, उस वक्त तक चेंज नहीं आ सकती। आप कितना पैसा लें, कितने पैसे लोगों को दे दें, तो वो चंद लोगों तक ही जाएगा, वो तो नीचे लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा पैसा। अब ताज़ा ताज़ा मैं आपको एक जो खबरें हैं वो बता देता हूँ, उससे अंदाज़ा करें कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अभी सिंध से खबर आई कल या परसों कि जी 95 असातज़ा ऐसे हैं जो 5 साल से तनख्वाह ले रहे हैं और उन्होंने हाजिरी भी नहीं लगाई। वो अब बायोमेट्रिक सिस्टम वहां पर आया तो अब पता चला कि 5 साल से वो सिर्फ तनख्वाह ही ले रहे हैं। इस तरह अभी एक कल की एक और खबर थी, 6 लोग पकड़े गए जिन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया और डकैती की, तो उसमें 4 जो थे वो सरकारी अहलकार थे। तो ये तो माशरे में चेंज नहीं आ सकती। मैं एक और छोटी सी मिसाल दूँ, आप किसी जगह बैठ जाएं, होटल में किसी चाहे दोस्तों के साथ बैठ जाएं, किसी टैक्सी में बैठ जाएं, आप कोई बात करें जी हम कोई इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो वो बंदा आपको बड़ा लंबा लेक्चर देगा कोई जी ये तो तबाही है जी, इन्होंने कायदीन जो आए जो सब इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, लेकिन वो उस वक्त खुद भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा। आप देखें वो इशारा भी कहीं अगर उसको मौका मिला तो वो काट जाएगा। रात का वक्त है तो वो हेडलाइट जला के वो लोगों को आंधा करेगा। तो मसला ये है कि ये सबको चेंज होना पड़ेगा। अगर इससे एक मुझे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों की, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, जो माज रात हैं वो अगर तफरकाबाजी से निकल के इस चीज़ पर बताएं लोगों को कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, सफाई के लिए, सफाई आपकी सेहत के लिए भी एग्जामन है, तो तब माशरे में तब्दीली आ सकती है। अगर एक बंदा जिम्मेदार है और वो सारे गलत काम भी कर रहा है, मिसाल के तौर पे सरकारी अहलकार जो उनको अभी जो एक खबर आई है फैसिलिटी जो उनको दी जाती हैं, अगर उनकी तनख्वाह 18वें ग्रेड की 1,07,000 रुपया है, तो तकरीबन उनको हाउस रेंट और दूसरी चीज़ों के मिला के तकरीबन 7 लाख रुपया वो खर्च कर रहे थे ब्यूरोक्रेट, लेकिन वो क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं सही तरह? हो ये रहा है कि वो इसके बावजूद मुतमईन नहीं है, वो ये सोचते हैं कि पैसा कहां से कमाया जा सकता है, किस बंदे को काबू किया जाए, किस फैक्ट्री को काबू किया जाए, किस तरीके से। अच्छा वो उन्होंने फिर बंदे रखे होते हैं अपने, अब आप डाले चले जाए किसी ने मीटर लगवाना है तो वो
असल बंदा तो बात नहीं करेगा, उसका एक वर्कर जो उन्होंने रखा होता है अपना, जो मर्जी उसको कहना है, वो आ जाएगा आपको, जी मैं लगवा के देता हूँ, ये 20 लाख का खर्चा है, इसमें 10 लाख तो जमा होने हैं सरकारी तौर पे, 10 लाख तो बांटने पड़ेंगे। तो जब तक सारे माशरे में ये तब्दीलियाँ नहीं आती, और इस सारी तब्दीलियों में हम सबको गुजरना पड़ेगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि आप इतने अरसे से लिख रहे हैं सारा कुछ, तो क्या ये लोगों के ऊपर असर अंदाज हो रहा है? जिस तरह अलिया महमूद साहब ने कहा कि ये अगर सच बोलते हैं तो वो असर रखता है, तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारे बोलने में लिखने में। तो प्लीज़ ज़रा सारे लोग अपना अपना किरदार अदा करें, और मैं भी समझता हूँ कि मैं सियासी वर्कर हूँ, और मैंने देखा है कि हमारी जगह भी बहुत कमजोरियाँ हैं। एक बात और करनी चाहूँगा कि हम लोग जो अगर एक बंदा पता चल जाता है कि ये करप्ट है, ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासी बंदा हो, कोई फौजी बंदा हो, आप हार क्यों पहनाना शुरू कर देते हैं जब वो अदालत में आता है? और जो ऐसे लोग हैं जैसे पानी बेचा गया पाकिस्तान का, पता है आप लोगों को, तो आप लोगों को उनको क्यों नहीं बताते कि इनके मुंह काले किए जाएं किसी तरीके से, जो जिन्होंने जुआ खेला क्रिकेट में, जो भी कौम को बदनाम करता है उनके मुंह भी काले करें, तब भी एक चेंज आएगी, और वो चेंज आनी चाहिए। शुक्रिया जी।